भाजपा ने अपनाया कल्याण सिंह का हिट फॉर्मूला, अखिलेश की कर दी बोलती बंद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 57 और दूसरे चरण के 48 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। भाजपा के सूत्रों की माने तो पार्टी ने यूपी की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया है जो कभी कल्याण सिंह अपनाया करते थे। दरअसल भाजपा ओबीसी और दलित समाज का मेल बनाकर मिशन 300 प्लस को हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों और विपक्षी सदस्यों के एक वर्ग ने यह दावा किया है कि भाजपा से ओबीसी मोह भंग हो गया है। वहीं योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान समेत कई विधायकों के पाला बदलने के बाद ऐसा लग रहा है कि राज्य में ओबीसी वोट बैंक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। हालांकि भाजपा ने कल्याण सिंह के फॉर्मूले को अपनाते हुए सबसे पहले और दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 44 टिकट ओबीसी के विधायकों या दावेदारों को ही दिए हैं ताकि पार्टी के खिलाफ बने माहौल का डैमेज कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि भाजपा ने इस फॉर्मूले को 1991 के विधानसभा चुनाव में अपनाया था और पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी और दलित समाज की एकजुटता के दम पर इतिहास रचा था। यही बात 2019 के लोकसभा चुनाव में नजर आई। दरअसल यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि पार्टी ने अपनी 83 सीटिंग विधायकों में से 63 को फिर मैदान में उतारा है, तो 20 सीटों पर नए प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं ओबीसी और दलित समाज को एकजुट रखते हुए कल्याण सिंह का फॉर्मूला अपनाते हुए 44 ओबीसी और 19 दलित को टिकट दिया गया है, जो कि लगभग 60% के करीब है। अब ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा ये फॉर्मूला बीजेपी को जीत दिला पाती है या नहीं। फिलहाल आप इस खबर को देख क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।